अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में, मैं डॉक्टर सोनल परिहार। इस बार का टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आप सब लोगों का, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है, मुझे लगा इसको टुकड़ों में थोड़ा 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 करके मैं आपको नॉलेज दूंगी तो शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। बहुत ही जनरल टॉपिक है, कंसीव कैसे करें, फास्ट फॉरवर्ड कंसीव कैसे करें। बहुत से लोग होते हैं बेटा फटाफट फटाफट टिप्स बताइए, फटाफट कंसीव करने की टिप्स बताइए, ऐसे कोई टिप्स नहीं होते। मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो इन जनरल आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, बट एक वो मैं आपको नटशेल में बताने वाली हूँ और आप उसको एक 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 करके टिक टिक करते रहिए, हाँ ये मेरे में ठीक है, नंबर टू ये ठीक है, नंबर थ्री ये ठीक है। मैं आपको करीब 8-10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसका कि आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे, राइट। तो हो सकता है ये वीडियो आपकी हेल्प करे, इसको एंड तक जरूर देखिएगा, राइट। इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपको बता दूं कि डॉक वाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स डेली कनेक्ट होते हैं इस ऐप के थ्रू। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पिंक कलर का एप्लीकेशन है डॉक वाइज ऐप, ये इसका टेक्निकल नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है नहीं समझ में आ रहे तो आप यहाँ फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए मेरे को। अगर आपको पर्सनली आके दिखाना है हॉस्पिटल में तो ये मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है, मेरी सेक्रेटरी का नंबर है, आप इनको सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक फोन कर सकते हैं। डॉकवाइज ऐप इज लाइक व्हाट्सएप, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो आपको कॉल कर सकती हूँ, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कॉल करके भी बात कर सकती हूँ। अब ये एप्लीकेशन इंटरनेशनल पेशेंट्स जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए भी चालू हो चुका है, ओके। बाकी मेरे बाकी पोर्टल्स हैं, फेसबुक पोर्टल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये मैं इसलिए देती हूँ कि बहुत से लोग यूट्यूब पे खो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस कई बार दिखते नहीं है या फिर यूट्यूब नहीं चलाना आता है या व्हाटएवर रीजन, तो दे फाइंड इट इजियर कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो वहीं पर रिटर्न मिल जाएगा या फिर मैं आपको लाइव सेशन में आके इसका आंसर दे दूंगी, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंसीव कैसे करें, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, कंसीव कैसे करें, एवरीबॉडी नोज हाउ टू कंसीव, राइट। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को देखिए कि क्या आपकी बॉडी फिट है कंसीव करने के लिए, योर बॉडी मींस फीमेल बॉडी, बिकॉज औरत ही बच्चे को कैरी करेगी। तो हम सिर्फ औरतों की फिटनेस की बात करेंगे, औरतों की फिटनेस सबसे पहले आता है उनका वेट। अब आजकल के जमाने में सबको पता है कि वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आपका BMI जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि चार्ट दी हुई है, आप चाहे तो इस चार्ट को पॉज करके जूम कर लें, नहीं तो इंटरनेट पे खुद चेक कर लें कि भाई आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। ऑल्दो सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबके बोनी स्ट्रक्चर अलग है, सबका वेट वेरिएशन होता है 5-6 किलो ऊपर नीचे, बट मोटी मोटी तौर पर सबको आजकल पता है कि वो क्या मोटे हैं क्या अंडर नरिश्ड है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके फ्रेंड्स आपको बोल देंगे, दुनिया आपको बोलती रहेगी यार तुम तो बहुत पतले हो, अरे तुम इतनी मोटी हो गई, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो आपको डेफिनेटली ये पता रहेगा कि आप अपने वेट में कहाँ लैक कर रही हैं, अपनी फिटनेस में कहाँ लैक कर रहे हैं। अब फिटनेस का ये मतलब नहीं कि आप एथलीट बन जाए, जिम ज्वाइन कर लें, योगा में बिल्कुल योग के गुरु बन जाए, ऐसा नहीं है। यू शुड बी फिट, आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। अगर हम डाइट की बात करें तो मैं कई वीडियोस में अपनी ये इस तरह की हेल्दी डाइट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, PCOD में मैंने डिस्कस किया था, प्रेगनेंसी में क्या खाएं ये इसमें डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इवन ये भी डिस्कस हो चुका है कि प्रेगनेंसी के बाद क्या खाना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हम नट शेयर में डिस्कस करते हैं ये सब अभी भी आप पे लागू होती है। आपकी डाइट में फैट कम होना चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोशिश करें कि एनिमल फूड कम खाएं, प्लांट फूड ज्यादा खाएं, क्योंकि वो प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होता है और फैट में कम कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, जैसे शुगर हो गई या फिर राइस हो गया, रिफाइंड पॉलिश राइस हो गया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आपको होल फाइबर खाना है, ज्यादा फाइबर खाना है, सैलड्स ज्यादा खाने हैं, आपको फाइबर रिच डाइट्स लेनी है, आपको मिल्क लेना है, आपको दही लेना है यानी कि कर्ड लेना है। तो आपकी डाइट अगर बैलेंस्ड होगी उसके साथ साथ आप थोड़ी सी फिटनेस का ध्यान दें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जितना भी आप अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकें। कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फिटनेस की तरफ जाएंगे किसी भी चीज का एक्सट्रीम अच्छा नहीं है। एक होता है बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, बैठे ही हुए हैं, लेटे ही हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं और खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रखे, तो ऑब्वियसली बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, बॉडी की फिटनेस खत्म हो जाएगी। एक होता है बहुत स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम पतले हो गए, एकदम फिगर जीरो फिगर वैसा वाला फिगर चाहिए, लेकिन उसमें फिर आपके हॉर्मोन्स पूरे अप डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली एक हेल्दी बॉडी जिसमें जितना उसको खाना चाहिए, एक ऑप्टिमम वेट आपकी बॉडी का, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आपका एक्सरसाइज,
एक हेल्दी माइंड, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी ये बहुत कम होना चाहिए। स्पेशली जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है, इन लॉज का प्रेशर है, सबका पीयर प्रेशर है कि सबको बच्चे हो गए, तुमको बच्चे नहीं हो रहे, हमको जल्दी बच्चा चाहिए, हमको जल्दी बच्चा चाहिए, इस कारण इतना स्ट्रेस और इतनी एंजाइटी हो जाती है। उससे बचने के लिए मैं सारे पेरेंट्स को, सारे वुड बी पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि आप प्लीज स्ट्रेस लेवल कम रखें, अपने आप हो जाएगा। एक तो वैसे भी आजकल मैरिजेस बहुत लेट हो रही है, मैरिजेस लेट होने की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एवरीबॉडी इज रनिंग, किसी को पैसा कमाना है, किसी को करियर बनाना है, सब अपना पोस्टपोन करते रहते हैं। फिर जब टाइम आता है तब तक शायद कुछ अबॉर्शंस हो चुके होते हैं या करवा चुके होते हैं, फिर दिमाग में गिल्ट होता है, प्रेशर होता है, वो सब आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्जायटी लेवल इंक्रीज करता है, उससे आपके सारे हॉर्मोन्स अप डाउन हो जाते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तो आपकी बॉडी की फिटनेस में एक्सरसाइज, माइंड लाइट एक्सरसाइज डेली, देन आपकी डाइट, देन मैंने डिस्कस किया आपका एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल, देन एक आप मल्टीविटामिन अपनी डाइट में जरूर ऐड कर लें, भले आप कितने भी हेल्दी डाइट खाते हो, एक मल्टीविटामिन जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, जिसमें साथ में आपको फोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारी चीजें एक नक्शे में मिल रही हो, एक सिंगल टैबलेट अगर आप डेली ले लेंगे अलॉन्ग विद सम आयरन टैबलेट्स अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है। तो बेसिकली डाइट प्लस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेडिकेशन जो आपके लिए जरूरी है उसको आप शुरू कर देंगे 2-3 महीने पहले आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, देन आते हैं एडिक्शंस। अगर आपको कोई एडिक्शन है अल्कोहल का, कफीन का, तो इसको प्लीज कम कर दें। बिल्कुल छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, मैंने पहले भी बताया था प्रेगनेंसी में ये सब चीजें नुकसान करती हैं, तो एक तरह से आपको बंद ही करना है, लेकिन अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बहुत कम कर दीजिए। एल्कोहल वंस अ वीक कर दीजिए, कैफीन भी बहुत कम कर दीजिए, कॉफी दिन में एक बार बहुत है, चाय दिन में 1 या 2 बार बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। किसी और तरह का नशा करते हैं, कुछ और लेते हैं, तो उसको सबको आपको कम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक हेल्दी बेबी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आपको कट डाउन करना ही पड़ेगा। ओके, ये तो आ गई आपकी हेल्थ रिलेटेड चीजें। अब आते हैं आपकी नॉलेज, आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज। ये तो सबको पता है कि प्रेगनेंसी होती है बिकॉज ऑफ एग और स्पर्म के मिलने से, तो औरत का अंडा और आदमी का स्पर्म जब मिलते हैं तो वो बच्चा बनता है। अब अंडा कब रिलीज होता है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओवुलेशन क्या होता है, डेली मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मैडम मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, मेरी 35 डेज की है, मेरी 26 डेज की है, तो मेरा ओवुलेशन कब होगा। मोटी मोटी तौर पे आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर 28 या 30 डेज की है तो आधे आधे में डिवाइड करें, तो 14 या 15 दिन के आसपास आपका एग मैच्योर होकर निकलता है। ओके, अब 14 या 15 दिन पे अगर वो निकलता है, फिर क्वेश्चन आता है वो कब तक जिंदा रहता है। हर किताब, हर जर्नल, हर चीज अलग अलग होती है, बट मोटी मोटी तौर पे जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि अंडा जब एक बार रिलीज हो गया, ओवरी से निकला, फैलोपियन ट्यूब ने उसको पकड़ा, अपने अंदर खींचा, तो वो करीब 12 से 24 घंटे जिंदा रहता है, मतलब सिर्फ एक दिन। और स्पर्म्स एक बार बॉडी में चले गए, वजाइनल कैविटी से वो ऊपर यूट्रस में चले गए, उनको 5 से 7 दिन मिलते हैं, वो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। ओके, तो स्पर्म्स का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, प्रोवाइडेड कि अंदर का एनवायरनमेंट सही हो। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई खराबी है या वहां कॉपर टी लगी हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इस कारण स्पर्म्स जल्दी मर जाते हैं, वरना इनको 5 से 7 दिन मिल जाते हैं जिंदा रहने के। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्स कब करें। वेल, ओवुलेशन के अराउंड अगर मान लीजिए 14 दिन पे ओवुलेशन होता है, 14वें दिन आपका एग रिलीज हो गया, तो क्योंकि स्पर्म जिंदा रहता है 5-7 दिन, तो अगर आप उसके 5-7 दिन पहले भी सेक्स करेंगे तो वो स्पर्म अंदर रहेगा और एग से मिलके फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। इसीलिए हम मोटे मोटे तौर पे आपको बोलते हैं कि मान लीजिए आपका पीरियड अभी आया फर्स्ट डे और 14 दिन पे आपका ओवुलेशन हुआ, तो बीच के जो 14 दिन है उनके उसमें शुरू के 7 दिन निकाल दीजिए। शुरू के 7 दिन वेस्ट है क्योंकि इसमें बच्चा नहीं ठहरता। 8वें दिन से लेके 14वें दिन तक ये 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेली सेक्स करें, रेगुलर सेक्स करें, विदाउट स्ट्रेस करें, तो इससे जो आपका अंदर स्पर्म जाएगा उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो एग के अंदर घुस के उसको फर्टिलाइज कर देगा। अब क्योंकि ओवुलेशन हो गया तो 1-2 दिन के अंदर वो ओवम तो खत्म होने वाला है, तो आगे के जो दिन है वो इतने फर्टाइल नहीं होते। फिर भी आपको मैं बोलूंगी कि 20वें दिन तक फर्टिलिटी रहती है, यानी कि 14 से 20 दिन, ये जो 6 दिन है ये भी फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि ओवुलेशन 14 दिन पे हो सकता है 15 या 16 दिन पे हो सकता है 16वें दिन के आखिरी में हो, तो आप मिस क्यों करें चांस। तो बेसिकली 7वें दिन से 20वें दिन तक जो आपका फर्टाइल विंडो है इसमें आप डेली सेक्स करें। एक अपनी बॉडी की नॉलेज रखें, आपको पता होना चाहिए कि ओवुलेशन कब हो रहा है। अब ओवुलेशन के लिए आजकल किट्स आ गए, जैसे प्रेगनेंसी किट्स आ गए, बट ओवुलेशन किट्स बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। फिर भी एक आइडिया लग जाता है जब आप उसको मल्टीपल यूजेस करेंगे, अपनी बॉडी का थोड़ा सा आप अवेयरनेस रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है, ये किट सही है, इसमें सही लाइन आ रही है। तो आपको हर बार डॉक्टर के पास जाके पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कन्फर्म करना बड़ा मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू हाँ ये किट सही है, 2 लाइन आ गई, बताओ ओवुलेशन हो गया।
तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे. वेल क्योंकि मिडिल ऑफ द साइकिल है तो पीएमएस वाला जो मेरा वीडियो था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसके सारे सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे. ब्रेस्ट में टेंडरनेस, थोड़ी सी ब्लोटिंग, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी, हल्का सा पेट में दर्द, ये सारे ओवुलेशन के साइंस है. आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको मेजर करना. पूरे दिन आप थर्मामीटर लेके तो नहीं घूमेंगे. दो मेन चीजें जो कि देखी गई है जो कि बड़ी इजीली आप नोटिस कर सकते हैं, वो है आपका सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि आपका व्हाइट डिस्चार्ज. मैंने पहले भी बताया था व्हाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग ओवुलेशन एकदम एग व्हाइट की तरह, एकदम अंडे के व्हाइट वाले पोर्शन की तरह हो जाता है. बहुत ज्यादा म्यूकॉइड हो जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाता है. कारण ये 2-3 दिन बॉडी प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, तो ये 2-3 दिन बॉडी इन्वाइट करती है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें, जिससे कि इजिली स्पर्म्स जो है उस व्हाइट डिस्चार्ज के थ्रू ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि अंदर अगर ड्राइनेस होगी तो स्पर्म्स वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं. ओके, दूसरी चीज जो बहुत इजीली नोटिस करी जा सकती है वो है आपका इंक्रीज लिबिडो. लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा. सेक्स करने की इच्छा ड्यूरिंग ओवुलेशन बढ़ जाती है और ये भी एक बॉडी का रिएक्शन है, एक बॉडी का मैकेनिज्म है आपको बताने के लिए कि हाँ अभी सही टाइम है आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए. तो ये दो चीजें को आप ध्यान रखिए. बाकी जो मैंने 4-5 चीजें और बताई, पेट में दर्द, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, थोड़ा बहुत टेम्परेचर का हाई होना, थोड़ा बहुत पेट में दर्द होना, तो ये सारी चीजें आपको एक इंडिकेट करेंगी कि हाँ आपका ओवुलेशन होने वाला है या हो रहा है. ठीक है, ये तो हो गई बॉडी की नॉलेज. उसके बाद आते हैं अंदर जाके वो स्पर्म कैसे अंदर जाएगा. बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैडम सेक्स के बाद पूरा स्पर्म तो बाहर आ जाता है तो मेरे को कैसे बच्चा होगा. मैं आपको बता दूं, ये लिक्विड जो होता है वो होता है सीमन. जो हस्बैंड में से निकलता है वो होता है सीमन, वो पानी होता है. उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीटाणु होते हैं जो आपको दिखेंगे भी नहीं, वो फट से ऊपर चढ़ जाते हैं. वो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, अगर आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको स्पर्म दिखेंगे ऊपर दौड़ते हुए, छोटे से कीड़े की तरह होते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं. जब तक आप उठेंगे, मान लीजिए आप 5-7 मिनट बाद भी उठे, तब तक वो ऊपर चढ़ के यूट्रस के अंदर जा चुके हैं. टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई भी चांस मिस नहीं करना है, तो आधा घंटा या 15 मिनट भी अगर आप लेटे रहेंगे थोड़ा सा कमर को ऊंची करके, जिससे पानी बाहर ना आए, बाद में तो उसको बाहर आना ही है. तो बेसिकली अगर आप 15-20 मिनट बाद अपने आप को उठ के वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे कि भाई चलो मैं उठ जाती हूँ, टॉयलेट हो आती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक वो जो स्पर्म्स है वो ऑलरेडी ऊपर अपने जगह पे पहुंच चुके होंगे. राइट, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. तो आई थिंक दोस्तों इतना बहुत है आज के वीडियो के लिए. मैंने आपको बहुत ही बेसिक टिप्स बताई हैं जो कि शायद आपको पता भी होंगी, कुछ कुछ चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास डेली आते हैं, तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें कवर करी हैं. नेक्स्ट वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसको जरूर देखिएगा, उसमें हम एक एक चीज को बारीकी से सुनेंगे, एक एक चीज, एक एक जगह कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है लेडीज को और जेंट्स को, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. राइट, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स करिए, डेली लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रही हूँ. बाय देन, टेक केयर, बाय बाय.